जो ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये कड़ेगा बस स्टैंड है। यहाँ से जामखेड़ तकरीबन 38 किलोमीटर है और हमें जामखेड़ जाने के लिए 50 से 55 मिनट तो लगेंगी। थोड़ा एडवेंचरस रूट है। और ये लेफ्ट साइड में नए ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चालू है। ये जो रास्ता बना है नया बाईपास, ये विलेज के अंदर से छोटे रास्ते से होते हुए मेन रास्ते पे लगेगा। रास्ता बंद है इसलिए बसेस भी यहाँ से आएंगी, मतलब हर गाड़ी इधर से ही जाएंगी क्योंकि उधर पूरा रास्ता ही बंद है अभी। डाइवर्जन, और यहाँ से राइट मारते हुए अपन जो ओल्ड रास्ता है वहाँ लग गए। स्लाइडिंग करते हुए ये पूरा रास्ता क्रॉस करेंगे। रास्ता पहले से ही ऐसे ही है, बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है ये रास्ता। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक, और ये जो रास्ता जाता है ये धामनगांव रोड है। कच्चे रोड से चलते हुए थोड़ा संभल के चलना पड़ता है क्योंकि सब बजरी पड़ी हुई है इधर। क्या करोगे लद्दाख जाके पुणे वालों, अहमदनगर वालों, आओ इधर जामखेड़ रोड पे, आपको हाईवे भी मिलेंगे, ऑफ रोडिंग भी मिलेंगी। हाँ, ये जो रोड है ये सोलापुर हाईवे पे टच होता है। अगर अभी जामखेड़ जाना है किसी को तो अगर मिरज गांव थ्रू आते हो आप, मिरज गांव तक, अहमदनगर से मिरज गांव, मिरज गांव से लेफ्ट इधर ये यहाँ रास्ता निकलेगा। यहाँ से सीधा आप जा सकते हो जामखेड़। जो आपको जो ख़राब रास्ता मिला है वो नहीं मिलेगा उसे। ये भी रास्ता कुछ अच्छा नहीं है, कंस्ट्रक्शन चालू है, ऑनगोइंग में है, एक आध साल में, एक दो साल में हो जाएगा ठीक। और अच्छी बात इसलिए है, मेरे सामने कई बार ये रास्ता बना है, टूटा है, 13 साल से रास्ते पे चल रहा हूँ मैं। जो डांबर का रोड है जिसको अपन बोलते हैं डांबरी रोड, वो एक साल के अंदर अंदर ख़राब हो जाता है। मगर जो क्वालिटी का ही अभी सीमेंट का रोड बन रहा है, 5 साल तो चलेगा है ना। 5 साल भी चलेगा तो ये 5 साल का टेंशन चल जाएगा। अभी देखते हैं रिपेयर वगैरह कैसे होता है, अब तक तो कुछ प्रॉब्लम आया नहीं। जहाँ तक मैं सीमेंट के रोड पे चल रहा हूँ, रास्ते पे चल रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम आया नहीं, मैंने तो नहीं देखा अब तक। थोड़ा बहुत क्रैक वगैरह वो तो चलता है। कड़े से अष्टी जा रहे, ये भी बीड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। और
और अच्छी बात ये है कि अष्टी से जामकड़ बॉर्डर तक का रोड बढ़िया है। लाल परी मतलब बस, महाराष्ट्र स्टेट बस, उसको मराठी में हमारे इधर लाल परी बोलते हैं। ये जो छोटे आम के पेड़ है, आम के दरख्त है, आस पास में नारियल लगे हुए हैं। जिस किसी इंसान के पास में पानी है वही ये मेंटेन कर सकता है, हर किसी की बात नहीं है। ऐसे रास्ते पे चलने के बाद कपड़े झटको तो सिर्फ धूल निकलनी चाहिए, इसका भी अलग मज़ा है। अगर यही कच्चे रास्ते पे अगर गलती से बारिश हो जाए या पानी गिर जाए तो आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर आप अष्टी से अहमदनगर जा रहे हो तो ये लेफ्ट साइड का जो रास्ता है ये शिंदेवाड़ी होते हुए देवठान रास्ते पे जाता है, उधर से धामनगांव रोड से अहमदनगर आप जा सकते हो। ये जो शहर है ये बीड डिस्ट्रिक्ट का तालुका प्लेस है अष्टी। अहमदनगर से तकरीबन 54 किलोमीटर से और यहाँ से बीड 84 किलोमीटर है। ये तालुका प्लेस है तो बीड का, मगर ये अहमदनगर से ज़्यादा नज़दीक है क्योंकि ये बीड डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे बसा हुआ एक टाउन है। जहाँ से हम कड़ा होते हुए आए हैं वो कड़ा भी अष्टी तालुके में ही एक छोटा टाउन आता है कड़ा। अष्टी टाउन स्टार्ट हो गया है, अपने राइट साइड में अष्टी पुलिस स्टेशन और ईदगाह मैदान, ईदगाह ग्राउंड है, और यहाँ से अगर ये चौक से अगर लेफ्ट जाते हो तो आप सीधे ही अष्टी के बीचों बीच पहुँच जाएंगे। शनि चौक ये अष्टी का सेंट्रल है। अष्टी करकत रोड या करकत चौक भी कहते हैं इसे। और ये लेफ्ट साइड में आपको जो रास्ता दिख रहा है बड़ा वाला, वो शनि चौक को सीधा ही रास्ता बेस के पास जाता है। अष्टी टाउन का बस स्टैंड ये लेफ्ट साइड में है, कुछ ज़्यादा सुख सुविधा नहीं है ये स्टैंड पे, छोटा सा बस स्टैंड है। सुख सुविधा से मेरा मतलब यही था कि प्रॉपर हाइजीन
प्लेस भी अवेलेबल नहीं है अस्टी बस स्टैंड पे। कड़ा बस स्टॉप से अस्टी बस स्टॉप पहुंचने के लिए अपने को 33 मिनट लगे हैं, 15 किलोमीटर 33 मिनट में, मतलब रास्ता ख़राब होने की वजह से ज़्यादा टाइम लगा है। मगर अस्टी से जामखेड़ बहुत ही कम समय में 20 मिनट में अपन पहुंच जाएंगे, और रास्ता भी बढ़िया है। जैसे ही जामखेड़ बॉर्डर आ जाएगा तो रास्ता अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर देंगे, मतलब रास्ता ख़राब है जामखेड़ बॉर्डर में। इसलिए रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि कैमरा हेलमेट के ऊपर है, तो आवाज़ उधर रिकॉर्ड हो नहीं सकता। रिकॉर्डिंग चलती है मोबाइल में, और मोबाइल में फ़ोन आते रहते हैं, चालू रहते हैं, इसलिए कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। मेरे ज़्यादातर वीडियो फुल वीडियो रहते हैं, अनकट फुल वीडियो। फुल वीडियो इसलिए कि अगर किसी को देखना भी है तो भगा के भी देख सकता, और पूरे रास्ते की जो भी कंडीशन है, एक्चुअल जो पोजीशन है, वो नॉलेज में आ जाती है, इसलिए मैं ज़्यादातर फुल वीडियो डालता हूँ। एक वक्त पे ये टोल नाका हुआ करता था, रास्ते की कंडीशन देखने की वजह से तो नाका बंद हो गया। यस टोल गेट, रास्ता समाप्त होता है यहाँ से ऑफ रोडिंग, और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट।
हम भीड़ में पहुंच गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ।